अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय मेन बैटल टैंक अर्जुन और पाकिस्तानी मेन बैटल टैंक अल खालिद के बारे में। अर्जुन भारत में विकसित तीसरी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है, वहीं अल खालिद पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर है और ये चाइनीज मेन बैटल टैंक टाइप 92M पर आधारित है। दोनों टैंक को कम्पेयर करने से पहले समझते हैं रशियन और वेस्टर्न टैंक की मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी। अगर बात की जाए क्रू की तो रशियन टैंक्स में 3 का क्रू होता है, वहीं वेस्टर्न टैंक में 4 का, कमांडर, गनर और ड्राइवर के अलावा एक लोडर भी होता है वेस्टर्न टैंक्स में, वहीं रशियन टैंक्स में ऑटो लोडर होता है। माना जाता है ऑटो लोडर होने के कारण रशियन टैंक्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनमें पहले से डिसाइडेड एमिनेशन लगा होता है, वहीं वेस्टर्न टैंक मैनुअल लोडिंग होने के कारण फ्लेक्सिबल होते हैं और उनका फायरिंग पैटर्न कभी भी चेंज किया जा सकता है। और अगर लोडिंग स्पीड की बात की जाए तो ऑटो लोडर की स्पीड और मैनुअल लोडिंग की स्पीड लगभग बराबर होती है और कहा जाता है मैनुअल लोडिंग जैम फ्री होती है। रशियन टैंक्स में 125 मिलीमीटर का बैरल होता है, वहीं वेस्टर्न टैंक में 120 मिलीमीटर का। हालांकि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि नए सबवॉट काफी पावरफुल होते हैं और उनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों टैंक्स की स्पेसिफिकेशंस की। अर्जुन एक वेस्टर्न फिलॉसफी का टैंक है, वहीं अल खालिद का डिजाइन एक रशियन फिलॉसफी का डिजाइन है। अगर वेट की बात की जाए तो अर्जुन का वेट अल खालिद से कहीं ज्यादा है। अल खालिद 46 टन का टैंक है, वहीं अर्जुन 58.5 टन का। ज्यादा वजन होने के बाद भी अर्जुन की मोबिलिटी लाजवाब है। इसका मेन कारण है अर्जुन का पावरफुल 1400 HP का इंजन। ज्यादा वजन होने के बाद भी इसका ग्राउंड प्रेशर T72 से कम है, वहीं अल खालिद का इंजन 1200 CC का है। दोनों टैंक्स की स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि पावरफुल इंजन वाला अर्जुन अल खालिद से थोड़ा तेज है, लेकिन ज्यादा पावरफुल होने के कारण अर्जुन का फ्यूल रिक्वायरमेंट ज्यादा है और इसीलिए अल खालिद की रेंज अर्जुन से तकरीबन 50 किलोमीटर ज्यादा है। बात करते हैं इनके हथियारों की। किसी भी टैंक को खास बनाती है उनकी एक्यूरेसी और फायर पावर। अर्जुन में 125 mm की राइफल गन लगी है जिसमें एमिनेशन बैरल से घूमता हुआ निकलता है और इसके कारण इसकी एक्यूरेसी काफी बेहतरीन है। आज तक सबसे ज्यादा दूरी पर टैंक को निशाना बनाने का रिकॉर्ड ब्रिटिश चैलेंजर टैंक के नाम है। इसने इराकी टैंक को 4.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर निशाना बनाया था। अर्जुन की ही तरह इसमें भी राइफल्ड गन लगी हुई है। अगर बात की जाए एमिनेशन की तो अर्जुन की एमिनेशन की वैरायटी ज्यादा है। हालांकि अल खालिद सारे कन्वेंशनल एमिनेशन लॉन्च कर सकता है, जैसे कि आर्मर पियर्सिंग पिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सबो हीट एफएस जो कि है हेवी एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड और ये कॉम्बैट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। हालांकि कॉम्बैट ATGM से लाहत एक अच्छी मिसाइल है, बट इंडियन आर्मी ने लाहत को रिजेक्ट कर दिया है। आइए अब बात करते हैं इनके आर्मर्स की। एक टैंक के सर्वाइव करने की क्षमता उसके आर्मर पर डिपेंड करती है। अगर कंपेयर करें अर्जुन और अल खालिद के आर्मर की तो अर्जुन पर कंचन आर्मर लगा हुआ है, वहीं अल खालिद पर मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर। कंचन आर्मर काफी सुपीरियर आर्मर है। इसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक पर T72 के डायरेक्ट हेड लिए गए हैं जिसमें हैवी एक्सप्लोसिव और आर्मर पियर्सिंग राउंड भी शामिल है। अर्जुन में नॉन एक्सप्लोसिव नॉन एनर्जेटिक रिएक्टिव आर्मर है। अर्जुन NBC टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल अटैक को झेल सकता है। अर्जुन मार्क 2 में माइंड स्वीपर का फीचर है। ये स्मोक ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकता है। अगर जरूरत पड़े तो ऑटो फायर फाइटिंग का भी फीचर है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक माइन काउंटर मेजर, लेजर वार्निंग, IR जैमिंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, MM रेडार, रेडार वार्निंग जैसे कई अत्याधुनिक फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ये ऑब्जर्वर मोड में भी काम कर सकता है। वहीं अल खालिद में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका आर्मर प्रोटेक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव है और इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम भी है। 2010 में इंडियन आर्मी ने एक स्क्वाड्रन अर्जुन को एक स्क्वाड्रन T90 के अगेंस्ट उतारा था, जिसमें कई टेस्ट किए गए। उनमें से एक टेस्ट था जिसमें दोनों ही टैंक्स को डेजर्ट टेरेन में 50 किलोमीटर चलते हुए 10 राउंड फायर करने थे, स्टेशनरी टारगेट्स पर, मूविंग टारगेट्स पे और ऑन द मूव। टेस्ट खत्म होते तक सभी टैंक 150 किलोमीटर चल चुके थे और 30 से 50 राउंड फायर कर चुके थे। इन टैंक को 1.5 से 2 मीटर गहरे नालों में भी टेस्ट किया गया था। अर्जुन की एक्यूरेसी इन टेस्ट में पिन पॉइंट पाई गई थी। अल खालिद को टाइप 92A लेवल पर अपग्रेड होना था। इसमें 1500 HP का फ्रेंच इंजन लगाया जाना था। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यह डील नहीं हो पाई। आइए बात करते हैं इस कंपैरिजन के रिजल्ट्स की। अल खालिद एक कॉम्पैक्ट टैंक है, इसका वजन भी कम है और इसकी प्राइसिंग
अर्जुन की कंपैरिजन तकरीबन आधी है। वहीं अर्जुन एक एडवांस, पावरफुल, भरोसेमंद, घातक और रिलायबल टैंक है। इस हफ्ते का क्वेश्चन है, अर्जुन टैंक के आर्मर का नाम बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।